श्रोमणी अकाली दल दे सीनियर नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने कहा है कि जदों तक यह तीनों खेती कानून रद्द नहीं हो जाते उदों तक अजिहे रोस मार्च या धरने प्रदर्शन ज्यों दे त्यों जारी रहेंगे। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार वालों 17 सितंबर को यह काले कानून लियांदे गए सी जिसका विरोध किसानों वालों एक साल तो लगातार किया जा रहा है। नाल ही उन्होंने कहा है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के वांगू वह किसानों का साथ छड़ के नहीं भजनगे। अकाली दल हमेशा किसानों की आवाज़ बुलंद करता रहेगा। होर की कहा मजीठिया ने, आओ सुनते हैं। आज एक साल पूरा हो गया है जब ये देश की भारत की सरकार ने पार्लियामेंट ने किसानों के खिलाफ एक बहुत ही घटिया फैसला करा और किसानों को मारने का फैसला करा। आज एक साल जब श्रोमणी अकाली दल ने कैबिनेट से इस्तीफा दिया है और इन का बिलों का पूछ करा। कांग्रेस की सोनिया गांधी या राहुल गांधी की तरह नहीं कि वो अमेरिका को देश को छोड़ के भाग गए और किसानों के साथ नहीं खड़े हो। आज भी मैं अपील करता हूँ कि पंजाब के लोग शांतमयी लोग हैं। ये जय जवान जय किसान के नारे पे कोई अगर पूरा उतरता है तो पंजाबी उतरता है और पंजाबियों ने देश की लई वास्ते वड्डियां कुर्बानियां दित्तियां। इसलिए कदे अफगानिस्तान कदे पाकिस्तान माहौल खराब कर रहा या किसानों विचोलिया दसना अतवादी दसना तालिबान का एजेंट दसना ये सारी राजनीति करने वाली पार्टियां मैं बेनती करदा कि यह जे शब्द किसानों लिए ना वरते जान काले कानून रद्द। लगता है कि जो प्रदर्शन है आपका ये सक्सेस हो गया है? ये हमारा काम है प्रदर्शन करना जी। हमारा सक्सेस तो होएगा जिस दिन काले कानून रद्द होंगे। ये तो लड़ाई है, लड़ाई जारी है। सक्सेस और फेलियर के लिए नहीं आए हैं, अपनी आवाज़ बुलंद।